Assalamualaikum everyone. Hope you will be fine, inshallah. Guys, we are going to start the subject of law. Almost everybody will be familiar with that. Straight away start karte hum commercial law. वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं. माई नेम इज अमीर हमजा, जस्ट इंट्रो, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स 19 ईयर्स अगो, सर्विंग इन आईसीएमपी सिंस 2008. जी शुरू करने से पहले एक ग्रुप हम बनाते हैं, वो चले बाद में बता दूंगा क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं. हम चूंकि साथ चलना है, पूरा कोर्स पढ़ना है, जिस बच्चे को कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई मसला हो, तो वो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, शेयर करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. ठीक है, इन बिटवीन हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एमसीक्यूज में बहुत सेंड करता हूँ, वो सॉल्व करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा. जी, हम शुरू कर रहे हैं लॉ. हमारा कमर्शियल लॉ है, कोर्स आउटलाइन मैनेजमेंट जब देगी तो शेयर कर दिया गया होगा. सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ लॉ और डेफिनेशन ऑफ लॉ. हम पहले डेफिनेशन एक दो देख लेते हैं. लॉ मीन्स rules made by authority for the proper regulation of a community or society or for the correct conduct of life. yani rule regulation banaye jate hain muashre mein sahi halat, law and situation par jo hai se ya sare jo follow kare law. ya dusri definition hai, law is a rule of conduct imposed and enforced by the government country sovereign to keep peace and order in the society. The definition of law is a body of principle recognized by the state in the administration of justice. तो ये छोटी छोटी definitions हैं, इनका तो बहुत कम chance होता है आपके MCQs बनने का. Participants माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं. तो ये definition है छोटी छोटी. हमारे एमसीक्यूज जो ज्यादा शुरू होते हैं वो यहाँ सोर्सेज ऑफ लॉ से शुरू होते हैं. बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे शुरू होते हैं. होप क्या आपको आवाज आ रही होगी. अच्छा, माशाल्लाह पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं. मैंने थोड़ा सा पहले बताया कि मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, सब बच्चों को लिबर्टी होती है वो ग्रुप ज्वाइन करें और जो चीज यहाँ समझ ना आए वो ग्रुप में पूछें. फिर मीनवाइल मैं बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो भेजते रहता हूँ ग्रुप में. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि ये क्या पढ़ेंगे या कैसे एमसीक्यूज आएंगे, तो उन सब चीज़ों का आंसर मैं पहले ही कर देता हूँ कि परेशान, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती. यहाँ मैं बहुत डिटेल से समझाता हूँ, फिर ग्रुप क्रिएट करता हूँ. ग्रुप में आप लोग जो है बड़े सुकून से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं. नंबर मेरा लिख लें बेशक, ताकि आप ग्रुप क्रिएट कर लें. 0322982007. मैं रिपीट करता हूँ, 0322982007. ठीक है, तो आप कोई भी एक पर्सन ग्रुप बना ले, मुझे इसमें ऐड कर ले. इसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चे जिनको जो आवाज क्लियर ना आ रही हो या कोई मिसिंग हो गई हो तो वो परेशान होते हैं कि जी क्या होगा, तो वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं ग्रुप में. उसमें एक तो ये होता है कि कोई बच्चा रिप्लाई कर देता है, और अगर कोई बच्चा रिप्लाई ना करे तो मैं खुद रिप्लाई करता हूँ. थोड़ा सा वेट करता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा रिप्लाई करे, नहीं तो मैं खुद रिप्लाई करता हूँ. जी, होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा. जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ हर वक्त इन टच रहें ग्रुप में, जब चाहे पूछें, और इन बिटवीन मैं खुद एमसीक्यू सेंड करता रहता हूँ.
कितने एमसीक्यू सेंड कर देता हूँ कि आप जो है बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हो जाते हैं, परेशान नहीं जी। अब हम स्टेट पे आते हैं कि लॉ की डेफिनेशन के बाद सोर्सेज क्या है, हमारे पास लॉ किन कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमारे पास सबसे पहला सोर्स जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज ईएमएल, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। सबसे पहला जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करेंगे तो हमेशा अच्छा ये याद रखेंगे मैं सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान पर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारी बुक जो है वो मोस्टली यूके सिस्टम को जो है सोर्सेज ऑफ लॉ बताती है, तो मैं स्टेट में अपने कंट्री के सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला सोर्स जो हमारे पास आता है दैट इज इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, ईएमएल। The EML constitute the foundation on which the superstructure of Pakistan mercantile law has been built with little bit amendment, yes, slight change. जैसे अभी हम लॉ पढ़ेंगे, कभी किसी ने सुना हो पार्टनरशिप लॉ, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान 1932 में था? नहीं, तो ये हमने यूके लिया, यानी जो मेजॉरिटी कंट्रीज ने वही लॉ लिए हुए हैं। अच्छा, इसी तरह अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 तो पाकिस्तान तो नहीं था, तो मेजॉरिटी लॉ जो है खसूसन कमर्शियल रिलेटेड वो हमने ईएमएल इंग्लिश मर्केंटाइल लॉज के स्ट्रक्चर से लिए हैं और अपने ऊपर हमने अप्लाई किए हैं विद लिटिल बिट अमेंडमेंट या स्लाइट चेंज। तो हमारे पास पहला सोर्स ऑफ लॉ जो है वो कंसिडर होगा ईएमएल इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। दूसरे नंबर पे आ जाए जी स्टेच्यूट लॉ। हमारे पास लॉ की जो ऑथेंटिसिटी है वो यही नंबर टू वाला है, स्टेच्यूट लॉ। हमारे पास लॉ मेकिंग ऑथेंटिसिटी जो है वो यही है, स्टेच्यूट लॉ। स्टेच्यूट लॉ मींस कि जब व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट इट बिकम्स एन एक्ट या स्टेच्यूट लॉ। मैं रिपीट करता हूं कि जब भी व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, दोनों में से। ये आगे प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सुकून से चलते हैं, बहुत तवज्जो से आप सुनिएगा समझिएगा, मैं फिर वही बात करूंगा, जहां समझ ना आए तो आप पढ़ सकते हैं मुझसे, स्कूल से पूछ सकते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होता हूँ बच्चों को जी। उसमें स्टैट्यूट लॉ या बिजनेस जो आपको कहते हैं सॉरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में मैंने कहा दो हाउसेज होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट, नेशनल असेंबली और सेनेट में से जब भी कोई एक हाउस लॉ बनाता है वो दूसरे हाउस को भेजता है, अपने उसे पास करने के बाद दूसरे हाउस में भेजता है, वहां से भी अगर जो है पास हो जाता है बगैर किसी अमेंडमेंट के तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट ने विद इन 10 days साइन करना होता है। कितने दिनों में? विद इन 10 days साइन करना होता है। तो जब वो साइन हो जाता है तो इसको हम एक्ट या स्टेच्यूट ला। ये यहाँ की डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये बच्चों ने अभी से मैसेज करना शुरू कर दिए, इट्स ओके वेलकम, लेकिन मैं रिप्लाई लास्ट पे करूंगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो लॉ की ऑथेंटिसिटी है वो ये है हमारे पास स्टैट्यूट, जिसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब साहिब को आपके ये बहुत छोटा सा ये लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इसमें से 40+ एमसीक्यू सिर्फ इसमें से बनते हैं। कितने कह रहा हूँ? 40+ एमसीक्यू सिर्फ इस छोटी सी हेडिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आगे प्रोसेस में जाएंगे, अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, प्रोसेस में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, फिर आपको बहुत अच्छा जाए वो समझ आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे पार्लियामेंट, ये नीचे देखें, पार्लियामेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेस, वन इज कॉल्ड नेशनल असेंबली एंड सेकंड इज कॉल्ड सेनेट। आर यू गेटिंग मी? होपफुली ओके।
नेशनल यानी हम जिसको पार्लियामेंट कहते हैं उर्दू में हम इसको मजलिसे शोरा भी कहते हैं, मींस जो हमारे लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो हमारे पास अथेंटिसिटी इसी पार्लियामेंट की होती है। ये दो हाउसेज में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेज, वन इज कॉल्ड नेशनल असेंबली एंड सेकंड इज कॉल्ड सेनेट। नेशनल असेंबली जो है इसके टोटल 342 मेंबर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 342 मेंबर्स, 272 इलेक्टेड होते हैं जिनका इलेक्शन होता है, 60 वुमेन्स होती हैं, 10 माइनॉरिटीज होते हैं। ये लोग 5 साल के लिए इलेक्शन के थ्रू आते हैं, 5 साल के लिए, और इनकी एट लीस्ट एज जो है वो 25 यानी 25 एंड अबव होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल असेंबली का जो हेड है उसको हम स्पीकर नेशनल असेंबली। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बहुत सुकून से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 40-50 एमसीक्यूज आपके सिर्फ इस सैंकड सोर्स ऑफ लॉ जो स्टैट्यूट लॉ इससे बनते हैं। ठीक है, बहुत सुकून से। तो हमने शुरू किया कि हमारे पास पार्लियामेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है टू हाउसेस का, जिसका मजलिस ए शोरा भी कहते हैं। टू हाउसेज, वन इज नेशनल असेंबली, सैकड इज कॉल्ड सेनेट। नेशनल असेंबली के टोटल 342 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनके 272 मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो 60 वुमेन परसेंटेज के हिसाब से फिर इनको मिलते हैं सबको, और 10 माइनॉरिटीज। ये 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है, इलेक्ट होते हैं, दोबारा फिर इलेक्शन होता है जब ये खत्म हो जाती है इनकी मुद्दत, और एमएलए बनने के लिए कम अज कम भी 25 साल या इससे ऊपर एज होना जरूरी है। दैट्स मीन, अच्छा, फिर इनका जो हेड है नेशनल असेंबली का उसको हम स्पीकर नेशनल असेंबली कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सेनेट, बहुत सुकून से पढ़ेंगे, दोबारा कुछ जो है समझाऊंगा, जहां समझ ना आ रहे बच्चों को मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ भी गए हैं, वो जो है एंड पे मैं पूछ बताऊंगा। इवन जब मर्जी है, रात को, सुबह, जब भी आपका दिल करता है मैसेज पे पूछे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पूछे, हर वक्त अवेलेबल होता हूँ बच्चों की हेल्प के लिए। जी, सेनेट के 104 मेंबर्स होते हैं, ये 6 साल के लिए होते हैं, 3-3 साल जो है बैच होते हैं, 6 साल जिसको हो जाए वो रिटायर होता है, 3 साल वाला बैच जो है वो सीनियर में आ जाता है 52 का, और 52 जो जूनियर जो है नए सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 6 साल के लिए होते हैं, इनके लिए उम्र कम अज कम 30 साल होना जरूरी है। इट इज हेडेड बाई चेयरमैन सेनेट, इनका हेड कौन होता है, चेयरमैन सेनेट। ठीक है, सेनेट को हम अपर हाउस, इसको अक्सर हम अपर हाउस या परमानेंट लॉ मेकिंग पार्टी भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि सेनेट जो है वो कभी टूटता नहीं है। नेशनल असेंबली को जब चाहे प्रेसिडेंट 58(b) के तहत तोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन सेनेट को नहीं तोड़ता। आपने अक्सर अपनी लाइफ में सुना होगा कि नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली तोड़ दी गई, ठीक, तो वो प्रेसिडेंट 58(b)(2) के तहत पावर यूज करके तोड़ सकता है, सेनेट नहीं टूटता, इसलिए इसीलिए परमानेंट लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें और शामिल करते जाएंगे, जैसे तीसरा इसमें एलिमेंट आता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट जो है ही शुड बी अ मेल मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड एंड 45। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के लिए मस्ट है कि वो 45 साल या इससे ज्यादा एज का हो, ठीक है, और मुस्लिम हो, मेल हो, ठीक। अच्छा, प्रेसिडेंट को हम कंसिडर करते हैं हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, इसी के नीचे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की एज 25 साल या इससे ऊपर होना जरूरी है, और इनका मेन रोल एडवाइजरी टू प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जी, वापस आते हैं, दोबारा चीजों को कंक्लूड करते हैं कि हमने नंबर 2 सोर्स ऑफ लॉ शुरू किया था जिसको हम स्टेट्यूट लॉ कहते हैं,
स्टेच्यूट ला हमारे पास मेयर अथेंटिसिटी है, जो हमारे पास लॉ बनाए जाते हैं अपने मुल्क के लिए, वो पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, वन इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, सेकंड इज कॉल्ड सेनेट। कोई एक हाउस लॉ बनाता है, जब वो उस हाउस से अप्रूव हो जाता है दूसरे हाउस में भेजते हैं, दूसरा हाउस भी अप्रूव कर देता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। प्रेसिडेंट ने 10 डेज में साइन करना होता है और जब वो साइन कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। ये था सिंपल प्रोसेस। आगे हम चलेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट है, प्रेसिडेंट ने कोई चेंज कर दिया है, एक हाउस देने वाला, वो बाद में सारी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास जो है अथेंटिसिटी जिस सोर्स ऑफ लॉ की है वो हमारे पास कौन सा है, स्टेच्यूट लॉ। जी कितने हाउस बताए इसके मैंने, दो हाउस बताए पार्लियामेंट के, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेस, वन इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, अदर इज कॉल्ड सेनेट। ठीक है, हर्फ पे आम में उर्दू में इसको मजल से शोरा। नेशनल असेंबली के मैंने बताया टोटल 342 मेंबर्स हैं, ठीक, 272 इलेक्टेड है, जिनका इलेक्शन होता है, अक्सर आपने इलेक्शन देखा होगा, 272, 60 वुमेन होती हैं, 10 मेनॉरिटीज, दे आर इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स। ठीक है, इनकी एज कम अज कम होना 25 साल जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लास क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि स्पीकर नेशनल असेंबली की उम्र कितना होना जरूरी है, स्पीकर नेशनल असेंबली की उम्र कितना होना जरूरी है। तो याद रखिएगा स्पीकर नेशनल असेंबली भी जो है वो MNA से होता है। तो इसका मतलब है जब MNA की एज 25 ईयर होना जरूरी है तो नेशनल असेंबली के स्पीकर की भी एज 25 ईयर्स एंड अबाउट होनी चाहिए। इसी से याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेसिडेंट की एज, प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर भी MNA से आता है। तो जब MNA एक चीज पिक कर दे कि MNA की एज 25 ईयर होना जरूरी है, तो फिर स्पीकर नेशनल असेंबली से रिलेटेड जितने भी लोग हैं हम उनकी एज 25 ही कंसिडर करेंगे। मीन नेशनल असेंबली जो है उसका स्पीकर 25 साल होनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर 25 साल होने चाहिए, कम अज कम प्राइम मिनिस्टर उसकी भी 25 साल होनी चाहिए। तो यहाँ आपके अच्छे खासे MCQs तो यहाँ ही बन जाते हैं कि पार्लियामेंट में कितने जो है हाउसेज होते हैं, दो हाउसेज होते हैं। ठीक, तो लॉ कौन बनाता है, दोनों में से एक हाउस बनाता है, दूसरे हाउस को भेजता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। प्रेसिडेंट ने कितने दिनों में साइन करना होता है, 10 दिनों में साइन करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलहदा से आ जाता है। असेंबलियां तोड़ने का अख्तियार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, अच्छा, तो होप ये दो चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर आते हैं कि सेनेट, ये चीजें मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा कि आपके क्वेश्चन फाइनल में इनकी एज इनसे इन चीजों से रिलेटेड बहुत आते हैं। मैं खुद जो है भेजता रहता हूँ, MCQs डिस्कस करता रहता हूँ, वो आप फिक्र ना करें, वो आपका परेशानी नहीं। मैं इंशाल्लाह खुद जो MCQs प्रोवाइड करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। आपका काम सिर्फ क्लास अटेंड करना है, तवज्जो से सुनना है, बाकी चीज़ें मैं खुद डेवलप करवाता है। क्योंकि मैं जब MCQs पूछता हूँ फिर रिप्लाई करता हूँ, फिर बच्चों के कंसेप्ट आउट कर रहे होते हैं। जी तो सेनेट की हम बात कर रहे थे कि सेनेट के मेम्बर 104 मेम्बर होते हैं, ये 6 साल के लिए आते हैं। यहाँ एक चीज मैं और बताता जाऊँ कि ये नेशनल असेंबली के जो लोग या इलेक्शन होते हैं इनको पब्लिक के वोट के थ्रू आते हैं, लेकिन सेनेटर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली जो होती है उनके वोट से आते हैं। ठीक है, ओके, ये 6 साल के लिए होते हैं। ठीक है, इनकी कम से कम एज 30 साल होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर चेयरमैन सेनेट जो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जब सेनेटर की एज किसी, क्योंकि वो भी सेनेट से आ रहा है, तो उसकी भी एज कम से कम 30 साल होना जरूरी है। Is it okay? इसको हम अपर हाउस या परमानेंट लॉ मेकिंग बॉडी भी कहते हैं। तो जब ये सारे लोग मिलके कोई लॉ बनाते हैं, सदर साइन कर देता है, फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। अब इसी में मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, होप
बच्चे आप गेट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जहां पे ना समझ आ रही हो फिर बार बार ये रिपीट करूंगा कि आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं और भी क्लियर कर दूंगा, या ये चीजें रिपीट भी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैंने कहा कि प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट हमेशा मैंने कहा है मेल मुस्लिम साउंड माइंड और एज 45 इयर्स होनी चाहिए, ठीक, और इसको हेड ऑफ स्टेट कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो इसकी एज का क्वेश्चन, या यूं भी कह रहते हैं कि मेल फीमेल, फीमेल कभी भी प्रेसिडेंट नहीं होगी हमारे लॉ के तहत, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। मुस्लिम होना मस्ट है, साउंड माइंड, और चार बातें याद, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की मैंने ऊपर बताया था एज कितनी होनी चाहिए, 25। क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर एमएनए से आता है और एमएनए की हमने लास्ट एज लिमिट क्या रखी है, 25, तो इट मीन प्राइम मिनिस्टर बीइंग 25 एंड अबव चाहिए, क्लियर। हाँ, लेकिन आप दो चीजें और बता दो, प्राइम मिनिस्टर दो इससे ज्यादा दफा भी जो है अपॉइंट हो सकता है, प्रेसिडेंट दो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी पहले दो दफा था, लेकिन कुछ पार्टियों ने इसकी जो लिमिट बढ़ा दी, तो दो से ज्यादा भी दफा अपॉइंट हो सकता है। ओके, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं और समझा दूं कि प्रेसिडेंट जब एक्ट जो होता है वो नेशनल असेंबली कोई लॉ बनाती है और सदर अप्रूव करता है तो इसको हम एक्ट कहते हैं। लेकिन कभी सुना होगा आपने एक्ट और आर्डिनेंस, आर्डिनेंस का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर इश्यू किया है, वो नेशनल पार्लियामेंट से नहीं आया, पार्लियामेंट से आएगा तो सदर साइन करेगा 10 दिन में तो वो एक्ट कहलाएगा, लेकिन सदर ने खुद से कोई ऑर्डर जारी किया है, सदर ने एनी ऑर्डर दैट इज प्रोमल्गेटेड बाय द प्रेसिडेंट ईदर इन केस ऑफ इमरजेंसी और व्हेन असेंबलीज आर नॉट इन सेशन, कोई भी ऑर्डर जो सदर ने जारी किया है, असेंबलियों से नहीं आया, सदर ने वो जारी किया है, ठीक है, दो रीजंस के साथ, या तो असेंबली सेशन में नहीं है, आइदर इन केस ऑफ इमरजेंसी, या तो कोई इमरजेंसी है या असेंबली सेशन में नहीं है, असेंबली सेशन में ना होने का मतलब यह है कि असेंबलियां तोड़ दी गई, ठीक। तो इन दो सूरतों में सदर ऑर्डर जारी करेगा, ठीक। लेकिन उस सदर ने जो ऑर्डर जारी किया, ये नीचे नोट्स में है, परेशान ना होइएगा, ठीक है। अच्छा, सदर ने जो ऑर्डर जारी किया है, ठीक है, उसको विद इन 120 days, आई रिपीट, ये सदर ने जो ऑर्डर जारी किया है, एनी ऑर्डर दैट इज प्रोमल्गेटेड बाय द प्रेसिडेंट शुड बी पास्ड एंड प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय नेशनल असेंबली विद इन 120 days। इफ इट इज नॉट पास्ड एंड प्रेजेंटेड इन नेशनल असेंबली विद इन 120 days, it will stand repeal. अच्छा, फिर जब सदर कोई ऑर्डर जारी करता है तो उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से, अच्छा, तो वो सदर ने जब ऑर्डर जारी किया तो वो ऑर्डिनेंस हुआ, और उस ऑर्डिनेंस को कितने दिनों में अप्रूव करना है असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने, विद इन 120 days, ये लास्ट ट्राइड में है, मैं अभी जस्ट हल्का सा प्रीविजन पर अभी चलता हूँ। अच्छा, तो 120 डेज में प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, अगर पार्लियामेंट में वो 120 डेज में पेश हुआ और उन्होंने पास कर दिया और वो एक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से कोई खराज तहसीन पेश करना है या किसी बेस हम लेते हैं, यह सेलिस पकोली की सुप्रीमा लेक्स, ठीक है, कि बेस देते हैं तो ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस भी देने दिया जाए। ये जब आर्डिनेंस में आगे जाएंगे तो मैं थोड़ा सा और जो है डिटेल में चला जाऊंगा, अभी हल्का सा इंट्रो दे रहा हूं। अच्छा, जैसे अभी हमें पढ़ा आर्डिनेंस, तो अगर आप बच्चों से सुन रहे हो तो कोई बच्चा ऐसे जो है कर सकता है कि इसके आर्डिनेंस, सिर्फ आर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, इसके 5 MCQs बना दे, तो आप तो हैरान होंगे कि आर्डिनेंस में 5 कांसे बन गए। तो सिंपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एनी
order that is promulgated by the president is called act, statute, law, ordinance, all of above. So correct answer आएगा ordinance. इसी तरह any order that is promulgated by the president is point A, either in case of emergency, point B, when assemblies are not in session, point C, both are correct, both are wrong, the C, both are correct. इसी तरह फिर मैं पूछता हूँ, any order that is promulgated by the president should be passed by dash. किसने पास करना है? मैं तीन ऑप्शन देता हूँ, नेशनल असेंबली, सेनेट या पार्लियामेंट. ठीक, तो ये अलावा याद रखिएगा कि ऑर्डर जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है उसको कौन पास करता है? नेशनल असेंबली. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नेशनल असेंबली वाला हम टिक करेंगे. अच्छा, इसी को हम फिर जो चौथा एमसीक्यूज बनाते हैं, एनी ऑर्डर दैट इज प्रोमल्गेटेड बाय द प्रेसिडेंट शुड बी पास्ड बाय नेशनल असेंबली विद इन डैश डेज, 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 200 डेज. द करेक्ट आंसर क्या होगा? 120 डेज. ठीक, इसी तरह any order that is promulgated by the president is not passed within 120 days, it shall stand, cancel, repeal, amended, all of above. तो जब भी पास नहीं होता तो याद रखिएगा repeal का वर्ड यूज किया जाता है. repeal का मतलब ये होता है कि उसको cancel तो नहीं कहते, almost उसकी जो है बात repeal जैसी ही होती है. अच्छा, तो ये पांच MCQs हमने सिर्फ इसी के पढ़ लिए. इसी तरह अब जो है बाकी अगर आप देखें तो 30 प्लस MCQs तो हम यहाँ बना लेते हैं. अगर आपसे पूछा जाता है कि नेशनल असेंबली के मेंबर की जो है कितने टोटल, ये वैसे नहीं पूछा जाता लेकिन मैं फिर भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि पार्लियामेंट कितने कम हाउसेज का होता है, 2 हाउसेज का होता है. अच्छा, इनकी एज कितनी होती है? 25. अच्छा, नेशनल असेंबली की कितनी हेड कौन होता है? चेयरमैन सेनेट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली होता है. ठीक है, यानी ऑप्शन क्या आएगा? स्पीकर नेशनल असेंबली इसका आइडिया होता है. तो सेनेट का हेड कौन होता है? ठीक है, चेयरमैन सेनेट होता है. चेयरमैन सेनेट की एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए. ठीक, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो तो एमसीक्यूज खुद खुद बनते जाते हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं कि जो चेयरमैन सेनेट है इसको हम कायम मकाम सदर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कायम मकाम सदर भी कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब सदर मुल्क में नहीं है तो कोई साइन करने हैं वो चेयरमैन सेनेट को अथराइज है. तो अब हमारे पास इसको चेयरमैन सेनेट को हम जो है कायम मकाम सदर भी कहते हैं. और अगर इत्तफाक ये हो जाए कि सदर भी ना हो और चेयरमैन सेनेट भी ना हो फिर तीसरी अथॉरिटी नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है. ठीक है, तो तीसरी अथॉरिटी हमारे पास कौन है? नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है. होप आपको ये काफी समझ आ गया होगा. मैं दोबारा फिर जो है थोड़ा सा आगे चल के फिर प्रीव्यू दूंगा. यहाँ पे आपके लिए इतना काफी है, इस तरह डाइजेस्ट करते जाएंगे तो हम चीजें और शामिल करते जाएंगे. तीसरे नंबर पे है जुडिशियल डिसीजंस. एक मिनट पार्टिसिपेंट होल्ड कीजिएगा, अजान शुरू हो गई है प्लीज.
सारी अजान के वजह से टूटना पड़ा। इस दौरान मुझे खुशी हुई, बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट्सएप पे, माशाल्लाह ग्रुप बना भी लिया, अच्छा लगा। इस लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन जो है वो सारे रिप्लाई करूंगा, ठीक है, परेशान ना हो आप। बस ये आप करें कि क्वेश्चन पूछे व्हाट्सएप पे, ग्रुप में पूछे, मैं बिल्कुल जो है उसको रखा। यहाँ भी क्वेश्चन आ गया, लास्ट 10 मिनट हम यहाँ भी दे देंगे, तो अच्छा लगा क्वेश्चन पूछे जी। तो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ पे आते हैं हम, जुडिशियल डिसीजंस। Judicial decisions is also called precedent, is a judgment for the decision of a court of an authority for deciding an identical case which serves an authority for legal principle embodied in decisions. Precedent includes ratio decidendi and obiter dicta. Whenever an act is silent on a point or there is ambiguity, the judge has to decide the case according to the principle of justice. ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, मैं आपको बहुत आसान समझा देता हूँ। जुडिशियल डिसीजन, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जुडिशरी कभी भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी का पार्ट नहीं होता। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जुडिशरी, जज, कभी भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी का पार्ट नहीं होती, ना ये लॉ बना सकते हैं। तो फिर आप हैरान होंगे कि यहाँ पे हमने सोर्सेज ऑफ लॉ में जुडिशियल डिसीजन क्यों लिखा। हाँ, मुद्दा यह है कि जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो उसकी जो है डिटेल नहीं बता पाते। तो जब कभी इत्तेफाक से कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे जो है लॉ खामोश है कि अब क्या करना है, लॉ खामोश है कि अब क्या करना है, तो कोई लॉ में डिटेल नहीं है, तो जजेस मिलके, जज मिलके कोई डिसाइड करते हैं, क्योंकि लॉ तो डिफाइन नहीं कर रहा, और जब वो मिलके डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो फिर वो सोचते हैं कि आइंदा कोई केस आ क्या होगा, तो वो उसको अपने जजेस के लिए लॉ बना देते हैं कि हमारे से जूनियर जज को जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आए तो वो इन लॉ के रूल को फॉलो कर सकते हैं। इट्स मीन कि जो पब्लिक के लिए लॉ है वो जज नहीं बना सकते। मीन हाँ, ये जरूर है कि जो लॉ बनाने वाला है वो कोई भी हो, अब उस लॉ को तोड़ेगा तो जज जुडिशियल डिसीजन जो है जज जुडिशरी हरकत में आएगी। बेशक लॉ बनाने वाले ने लॉ तोड़ा तो उसको सजा देगी, यानी ये लॉ तोड़ने वाले को सजा तो दे सकते हैं, लॉ नहीं बना सकते। हाँ, एक चीज कि जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ कोई केस आ गया और लॉ खामोश है, मेन लॉ में उसकी कोई डिटेल नहीं है, तो फिर ये मिल के फैसला करते हैं और दूसरे जजेस के लिए आइंदा आने वाले केसेस की सूरत में उसको जो है अथॉरिटी साइड कर देते हैं, और आइंदे कोई केस दूसरे जजेस के पास आता है तो वो इस रूल को फॉलो करेंगे। तो मीन फिर जुडिशियल डिसीजन हमारे पास सोर्स ऑफ लॉ है, बट फॉर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ देयर ओन बाउंड्रीज, सिर्फ अदालती अख्तियार तक, पब्लिक के लिए नहीं। क्लियर? हाँ, इसमें ये है कि जब आप, यानी जब भी कोई लॉ वो कोर्ट करते हैं आइंदा के लिए, उसको हम प्रीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। प्रीसीडेंट यानी जो पहले कोई ऐसा लॉ जजेस ने बनाया है उसको फॉलो कर। प्रेसिडेंट की और भी डिटेल है लेकिन फिलहाल हम सिंपल करते हैं। तो जब ये जजेस लॉ बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे? अपने जुडिशरी के लिए, पब्लिक के लिए नहीं, ठीक है। जब अपने जुडिशरी के लिए बनाएंगे तो दो चीजें होती हैं उसमें, हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जब भी बनाया जाएगा तो रेशियो डिसीडेंडी को फॉलो किया जाएगा, विटर डिक्टा को फॉलो नहीं किया जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, किसको फॉलो किया जाएगा? रेशियो डेसिडेंडी को फॉलो किया जाएगा,
ओबेटर डिक्टा को फॉलो नहीं किया जाएगा। ओबेटर डिक्टा को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाइंड कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि चूंकि नए वर्ड्स हैं तो आप सारे सोच रहे होंगे, क्वेश्चन भी आना शुरू किया, ये क्या चीज है रेशियो डेसिडेंटी और ओबेटर डिक्टा। ये मैं बता रहा हूँ, एक तो इनका डायरेक्ट केस भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है, और मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे रेशियो डेसिडेंटी, रेशियो डेसिडेंटी का कंसेप्ट ये है कि जो मेन रीजन बिहाइंड द केस, मेन रीजन बिहाइंड द केस, एक जो शुरू का केस समझाता हूँ, फिर दूसरी दो तीन एग्जांपल दे दूंगा। एक बच्चा था, उसकी दावेदार दो औरतें निकल आई, एक कहती है मेरा बेटा है, दूसरी कहती है मेरा बेटा है। अब दोनों के कुछ लोग जो है वो गवाही भी दे रहे हैं, एक कहता है कि एक जिसका बच्चा था लोग गवाही भी दे रहे हैं किसका बच्चा है, लेकिन जज के लिए परेशानी शुरू होगी क्योंकि दोनों औरतें कह रही हैं हमारा बेटा है। अब जो मेन कानून है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इसके पैसे फैसला करना है। अब दो जो जज दो तीन थे वो परेशान हो गए कि यार ये तो दोनों औरतें कह रही हैं, एक कहती मेरा बेटा है दूसरा कहती मेरा बेटा है, कैसे किया जाए। फिर उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और इन दोनों का करवाते हैं, जिससे डीएनए टेस्ट मैच कर गया उसका बेटा होगा। ठीक है, मेरी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो अब हुआ ये कि अच्छा ये जब डीएनए टेस्ट करवाया तो जिस औरत से मैच कर गया कंफर्म हो गया ये इसका बेटा है, ठीक, दूसरी झूठ बोल रही थी। अच्छा, वो झूठ बोल रही, वो बाद में उसको सजा हुई नहीं, उसके तरफ नहीं जाते। तो रेशियो डेसिडेंटी मीन मेन रीजन बिहाइंड द केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जजेस ने, चूंकि मेन ला तो खामोश था, उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ था, तो जजेस ने मिलकर ये फैसला किया कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए और आइंदा किसी जज के पास आ जाए, आपने ये रेशियो डेसिडेंटी फॉलो करनी है, मीन मेन रीजन बिहाइंड द केस, यानी डीएनए टेस्ट करवाना है। इसी डीएनए टेस्ट को बाद में जो है वो रैप केसेस पे यूज किया गया, दांडी केसेस में, यानी कोई कहता है कि दांडी हुई है तो कैसे कंफर्म किया जाए, तो फिंगरप्रिंट डीएनए चेक किया जाए, वो डीएनए टेस्ट या इसी तरह का फिंगरप्रिंट, वो हमारे पास ऑथेंटिसिटी है, मीन रेशियो डेसिडेंटी मेन रीजन बिहाइंड द केस। ओबेटर डिक्टा को लैटरल इफेक्ट को कहते हैं, हाइपोथेटिकल इफेक्ट, यानी उन औरतों के साथ लोग थे वो कह रहे थे कि इस औरत का बच्चा है, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी। हमारे पास ऑथेंटिसिटी क्या आई, रेशियो डेसिडेंटी ऑथेंटिसिटी। और जब भी आप बाइंड करेंगे तो रेशियो डेसिडेंटी को बाइंड करेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन में आंसर जाकर पूछता हूँ। ओके, नंबर फोर पे आ जाए, कस्टम एंड यूजेज। कस्टम एंड यूजेज जिसको हम रस्म और रिवाज भी कहते हैं, हम अक्सर इस चीज को वेटेज नहीं देते, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम एंड यूजेज सबसे अहम तीन सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है, अहम तीन सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, से फॉर एग्जाम्पल आपने भी सुना होगा कभी कि फलां बंदे ने जो है ना बैंक में अपना सोना रखवा के पैसे लिए हैं। जब भी बैंक में कोई मूवेबल चीज रखवा के पैसे लेते हैं तो उसको हम प्लेज कहते हैं, उसको हम प्लेज कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हम शहरी जिंदगी से आया है, ठीक है, लेकिन सदियों से या गांव देहातों में अब भी जिसको पैसे चाहिए हो वो उस बैंक नहीं जाता, वो अपना कोई सामान वहां के वडेरे या चौधरी के पास रखवा के तो पैसे लेता है। तो मीन या हमने इसको डेवेलप कर दिया, यानी बैंक में सोना रखवा कर पैसे ले रहे हैं, जिसको हम ब्रज कहते हैं। तो रस्म जो है रस्म रवाज, यानी पहले या इवन मैं कहता हूँ गांव देहातों में अब भी यही होता है कि तो वो बैंक वैंक नहीं जाते, किसी वजेरे के पास कोई चीज रखवा कर पैसे लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रस्म रवाज से डेवेलप होके, ठीक है, वो लॉ बने। ठीक, इसकी मैं डेफिनेशन है, इट इज इन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कस्टम एंड यूजेज इन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम बाइंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, अ कस्टम व्हेन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द जुडिशियल डिसीजन
बिकम अ लीगल कस्टम, ठीक है। अच्छा, या दूसरी डेफिनेशन, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी रस्म और रवाज यानी कस्टम एंड यूजेज, इसको अब कौन रिप्लेस कर रहा है, शरीयत ला रिप्लेस कर रहा है। यहाँ आपके दो एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। मीन्स आपसे यूं पूछा जा सकता है कि कस्टम एंड यूजेज आर बीइंग रिप्लेस्ड विद सोर्स ऑफ लॉ, और आंसर होगा शरीयत। इसी तरह अपोजिट कर लो, शरीयत लॉ इज रिप्लेसिंग विच सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कस्टम एंड यूजेज। होप बेटा आप लोगों को कुछ समझ आ रही होगी, फर्दर में चाहे और भी इसको एलिबरेट करूंगा, ठीक है, अब सिर्फ पूछने वाले पर है। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम एंड यूजेज की, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी नीचे, इट इज अ सोशल रूल और हैबिट विच पीपल हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ फॉर देयर कंडक्ट। जैसे अभी हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो इसी तरह कस्टम रस्म और रवाज के तहत अभी लोग अपने वहां सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं या चौकीदार रखते हैं, तो इसी तरह बहुत सारी चीजें, या इवन अब आपने मुशारका मुदारबा सुना होगा या आपने पार्टनरशिप सुनी होगी, तो मुशारका मुदारबा हम बच्चों को बहुत लेंथी डेफिनेशन की तरफ ले जाते हैं कि जो है सम पेपर है स्किल, सम पेपर है जो है मनी, शिरकत अमल शिरकत अमवाल, तो क्यों जाते हैं या रस्म रवाज के तहत, तो अभी भी बहुत से लोग यहाँ, ठीक है, कोई एक जो मिलकर वहाँ पार्टनर करता है, इवन कोई जो है किसी का बफेलो ले जाते हैं, उसके बच्चे ले जाते हैं, उसको पाल के बड़ा करते हैं, वही मुशारका मुदारबा कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को खुद नहीं पता था मुशारका मुदारबा कर रहे हैं। तो मींस कहने का मकसद ये कि बहुत से लॉ जो हैं वो रस्म और रवाज से डिवेलप होते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स है, बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आहिस्ते आहिस्ते आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में याद रखिएगा, यहाँ मैं बात करूंगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैंने क्या कहा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यह होता है कि जब पार्लियामेंट के पास या तो टाइम नहीं होता, या मामला कुछ टेक्निकल नेचर का होता है या जल्दी का होता है, तो वो खुद लॉ बनाने के बजाय लोअर अथॉरिटीज को लॉ बनाने की अथॉरिटी दे देते हैं। मीन खुद लॉ बनाने के बजाय अपनी अथॉरिटी लोअर बॉडीज को डेलीगेट करते हैं, ठीक है, जैसे मिनिस्टर हो गए, लोकल अथॉरिटीज हो गई, एजुकेशन हो गई, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड हो गए, इनको स्टॉक एक्सचेंज हो गए, इनको जब वो लॉ बनाने की अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, तो इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जब सिर्फ लेजिस्लेशन कहते हैं तो मींस जो यहाँ स्टेट्यूट लॉ है और डेलीगेटेड दोनों मिल के जब वो कंबाइन हो जाए तो ये लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह मैं आसान कर देता हूँ, फादर है, ठीक है, मदर है, फादर जो है अपर लेवल है, ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकल तो कुछ और होता है, लेकिन चले तो घर का अथॉरिटी कौन है, फादर है, ठीक, और लोअर बॉडी कौन है, मामा है, लेकिन जब पेरेंट्स का हाथ दोनों के लॉ बनाए हुए है, इसी तरह जब लेजिस्लेशन कहा तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और स्टेट्यूट लॉ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दोनों इसमें कवर होते हैं। यानी हाउ मींस जब भी पार्लियामेंट खुद कोई लॉ नहीं बनाना चाहती, किसी को अथॉरिटी दे देते हैं लॉ बनाने की, जैसे एजुकेशन सेक्टर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, लोकल अथॉरिटीज को, और उनके बनाए हुए लॉ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक। तो यानी टू सेव टाइम इन पार्लियामेंट व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू अदर बॉडीज टू मेक रूल्स, ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा मिनिस्टर, फैक्ट्रीज, रेलवे, लोकल अथॉरिटीज, तो इनको जब अथॉरिटी देते हैं और इनके बनाए हुए लॉ और रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लास्ट वन है हमारे पास, जो सोर्स ऑफ लॉ है वो है शरीयत लॉ।
शरीयत लॉ अगर सिंपल रखना चाहते हो दैट इज अकॉर्डिंग टू या एज ऑर्डर्ड एंड गाइडेड बाय कुरान और सुन्ना अंडर द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी, ठीक है, अगर तो सिंपल है। लेकिन हमारे पास एक शरीयत कोड भी है, वो आगे हमारे चैप्टर में भी है, एफएससी कहते हैं फेडरल शरीयत कोड, ठीक है। जब कोई लॉ इस्लाम के अगेंस्ट बनाया जा रहा हो तो आर्टिकल 203(d)(1) के तहत उनके पास पावर होती है कि ना सिर्फ उस जो है अगेंस्ट लॉ जो इस्लाम के अगेंस्ट कोई लॉ बनाया जा रहा है या प्रिवेल हो रहा है उसको ना सिर्फ ये रोके बल्कि उनको अपना जो उनका बात सुनने के बाद अपना जो है लॉ उनको बताएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये कंसेप्ट इसका बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने शुरू किया था ऊपर डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन हल्का कंसेप्ट किया, फिर हम आए सोर्सेज, और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ मैं पाकिस्तान के बता रहा हूँ, अपनी कंट्री के बता रहा हूँ। 6 सोर्सेज हैं, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ दैट इज EML दैट कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑन विच द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल लॉ हैज बीन बिल्ट, यानी हमने वो लॉ जो दूसरी कंट्री से या EUC से या UK से लिए हैं। बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, बेटे टिकटा भी बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, फिक्र ना करें जी। तो हमने जो लॉ लिए हैं सेल ऑफ गुड या पार्टनरशिप एक्ट या कंट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सारे लॉ पाकिस्तान से बनने के पहले हैं। हमने उन कंट्रीज इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से ज्यादा और हमने इस मेजॉरिटी कंट्रीज ने इनसे लिए, ठीक है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, दूसरे नंबर पे स्टेट्यूट लॉ मैंने बताया था कि जब पार्लियामेंट इज कम्बिनेशन ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ये बताया मैंने, ये बनाते हैं और प्रेसिडेंट साइन कर देता है विद इन 10 डेज, ये हमारे पास एक्ट बन जाता है, ठीक है, ये स्टेट्यूट लॉ बन जाता है, ओके। अच्छा, तीसरे नंबर पे जुडिशियल डिसीजन, मैंने कहा था कि जजेस जो है लॉ बनाते हैं, जजेस को अथॉरिटी नहीं है लॉ बनाने की, हाँ लॉ जिसने भी बनाया वही लॉ तोड़ता है तो उसको सजा जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन जहाँ पे लॉ उनके अपने अदालती निजाम में कोई है, कोई मसला है या कोई केस आता है जो पहले कहीं जाए उसका कहीं डिसीजन नहीं है, वो मिलकर डिसाइड करते हैं और आइंदा आने वाले जो है वो जजेस के लिए एक या पैरामीटर बना देते हैं किसको फॉलो करना है, उसको हम प्रिसीडेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऐसा केस जिसकी पहले कोई सजा या कहीं किसी कानून में नहीं है या तफसील नहीं है तो ये मिलकर डिसाइड करते हैं और आने वाले जजेस के लिए वो डिसाइड कर देते हैं, ठीक है, कि आपने इसको फॉलो करना है। तो विद इन देयर ओन पैरामीटर्स देयर ज्यूरिसडिक्शन अपने अदालती हाथा अख्तियार के लिए वो ये लॉ बना सकते हैं। फिर मैंने बताया कस्टम एंड यूजेज, वो रस्म और रवाज जो बहुत अरसे तक चलते हैं, बाद में जो है कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल प्लेज की दी है, बिल में तो आएगी, मोर्टगेज है, ADR है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे चल के पड़े। फिर था लेजिस्लेशन, मैंने कहा था कि जब पार्लियामेंट के पास टाइम ना हो या मामला टेक्निकल नेचर का हो या कोई और इश्यू हो तो वो खुद लॉ बनाने के बजाय लोअर बॉडीज को अथॉरिटी देते हैं लॉ बनाने की, ठीक है, तो उसको बनाए हुए लॉ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये भी लॉ का पार्ट बन जाता है और लेजिस्लेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने समझाया। और लास्ट बना इसका शरीयत लॉ का मतलब है अकॉर्डिंग टू एंड एज ऑर्डर्ड एंड गाइडेड बाय कुरान और सुन्ना अंडर द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी, हमारे शरीय आ जाए, इसके लिए आगे पूरा चैप्टर है, ठीक है, तो ये उस डिटेल से पढ़ेंगे। अब आते हैं, अली साहब आप मुझे सुन रहे हैं, मैनेजमेंट, अली साहब कोई मैनेजमेंट में है प्लीज। अच्छा जी, हम जो क्वेश्चन कहीं बेटा, अच्छा जी हम
शुरू करते हैं जी। सर आवाज ये तो हो गया, वॉइस नॉट क्लियर, ये मैनेजमेंट से पूछते हैं। थैंक्स थैंक्स सर, वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है। यस सर, समझ आ रही है। अच्छा सर, योर वॉइस नॉट क्लियर, कैन वी हैव दिस? हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट में भेजूंगा। यस, अगर सुन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में भेजूंगा, बुक भी भेजूंगा, डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगा। मैंने कहा कि आपका काम सिर्फ आना है, मटेरियल सारा मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, क्लास कब स्टार्ट? ये तो ग्रुप लिंक, अच्छा ये बच्चे ने ग्रुप सेंड किया है, सारे इसको नोट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, बुक नेम में जो है बताऊंगा, खुद सेंड करूंगा, परेशान ना हो। काइंडली जूम करें स्क्रीन को। अच्छा ये हो गया। व्हाट इज मेंट बाय मर्केंटाइला? मर्केंटाइला बेसिकली जो है हम लेते हैं, इसका दूसरा नाम है लेक्स मर्केंटोरिया, जिसको आप कमर्शियल लॉ कहते हैं, हमारे कंट्रीज में कमर्शियल लॉ कहते हैं या बिजनेस लॉ, इंग्लैंड में इसको मर्केंटाइल लॉ कहते हैं और लैटिन में इसको लेक्स मर्केंटोरिया कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी बनता है कि मर्केंटाइल लॉ का ओरिजिनल नाम क्या है, दैट इज लेक्स मर्केंटोरिया, ये आगे चल के बताऊंगा। अच्छा फिर है जी सर, अगेन सर प्लीज रिपीट योर नंबर। नंबर मैंने बताया था 03222982007, मैंने रिपीट कर दिया। अच्छा ए सर, इट्स प्रिंट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, प्रिंट में भेजूंगा, कुछ समय परेशान ना हो। बुक में मैंने बार बार बताया, बुक नोट्स वगैरह ये मेरा देना काम है, आप परेशान ना हो, नोट्स भी मिलेंगे, बुक भी मिलेगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अच्छा मेरे पास है सारा मटेरियल। सर काइंडली टेल मी व्हाट नंबर, मैंने बता दिया, दोबारा नहीं पूछे। अच्छा, सेनेट के मेंबर कौन सिलेक्ट करता है और किस बेस पे सिलेक्ट होते हैं, ये बहुत डिटेल। सेनेट के मेंबर्स प्रोविजनल असेंबली जो है के मेंबर जो है, यानी सूबाई असेंबली के मेंबर जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट में सर, प्रेसिडेंट मेल ही होता है? नहीं बेटा, सिर्फ मेल ही होगा, प्रेसिडेंट मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी। अच्छा जी, नेशनल असेंबली के मेंबर कितने होते हैं? मैंने बताया था 342 होते हैं, 272 का इलेक्शन होता है, 60 फीमेल और 10 मिनॉरिटीज। अच्छा जी लिखा सर, प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ गर्ल? हाँ हो सकती है, आपकी बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी ना। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो है गर्ल्स हो सकती है, लेकिन प्रेजिडेंट नहीं हो सकता। अच्छा सर, हाउ प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड? अच्छा ये अभी मैं इस तरफ नहीं गया, डिटेल से बताऊंगा। ये सर MLA MPS या सेनेटर्स ये वोट होते हैं। अच्छा सर, फ्रॉम हियर सेनेटर कम सेनेटर बेटे, जो मैंने बताया ना ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर अदर देन भी हो सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट इनको जो है सेनेटर करते हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर करते हैं। अच्छा, व्हाट शुड बी द एज ऑफ प्रेजिडेंट? मैंने बताया था 45 ईयर्स मस्ट है उसकी, ठीक है। अच्छा, इतने एमसीक्यू आप बच्चे ने पूछ लिया सर, काइंडली एक्सप्लेन लेजिस्लेशन, ये मैं बता दूंगा। 25 ईयर स्पीकरनेस, हाँ जी स्पीकर मैंने कहा था जो MNA से आते हैं 25 होना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी, यस मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर फीमेल हो सकती है, थी। अच्छा हाउ सेनेटर, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ कैसे होते हैं। अच्छा ये क्या है सर, प्लीज हैव सम एग्जांपल, एग्जांपल किस चीज़ की पूछ रहे हो? व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं बहुत एग्जांपल दे दूंगा आपको। अच्छा जी 30 ईयर ये हो गया सर, बेसिकली व्हाट इज कमर्शियल लॉ? कमर्शियल बेटा, जो आप चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं ये सारा कमर्शियल है। कभी कोई चीज़ खरीदी होगी, बुक खरीदी होगी, चीनी खरीदी होगी। अच्छा सर जी, स्लाइड मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी। अच्छा, आई कांट हियर योर वॉइस, ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं, वॉइस क्यों नहीं आ रही। काइंडली शेयर द स्लाइड साइज, बेटे मैंने कहा है बार बार कह रहा हूँ, मैं भेजूंगा। सर इफ प्रेजिडेंट चेयरमैन बोथ आर नॉट प्रेजेंट, एनी अदर बार बार जी, डिप्टी चेयरमैन नहीं, तीसरी अथॉरिटी जो है स्पीकर नेशनल असेंबली आएगा। अच्छा सर प्लीज एक्सप्लेन ऑर्डिनेंस अगेन। अच्छा ये मैं चलो बता दूंगा, काइंडली ट्राई स्पीक लिटिल बिट लाउड। अच्छा अच्छा जी, कैन यू सेंड अ बुक इन सॉफ्ट फॉर्म? जी मैं बुक सॉफ्ट फॉर्म में दे दूंगा। सर जी एक्सटेंड फॉर यह क्या है? अच्छा एक मैंने कहा पार्लियामेंट
जो आर्जन या ब्लॉग बनाती है उसको हम एक्ट या स्टेट्यूट क्या कहते हैं। अच्छा वाई या फीमेल टेनर फॉर्म जो प्रेजिडेंट, ये बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसके तहत फीमेल या सदर नहीं बन सकती। आईना है हमारा। अच्छा जी हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, अब मुझे नहीं पता कितने ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप जो ही बनता है तो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा जी ये चीजें नंबर जो है व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। बेटा टिकटॉक की एग्जांपल आप बच्चे ने पूछा, चलो मैं बता दूंगा। जुडिशियल डिसीजन वाला पॉइंट ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। काइंडली एक्सप्लेन बेटा टिकटॉक वाला क्वेश्चन फिर आ रहा है। अब टाइम शार्प रह गया है, मैं आपको या तो व्हाट्सएप से समझा दूंगा या नेक्स्ट क्लास हमारी कल अपने क्वेश्चन वो रखिएगा, कल फिर मैं समझा दूंगा। अच्छा नीचे आ जाए जी। अच्छा ग्रुप में ऐड हो जाएंगे फिर है। पहले दो समय नहीं आए, चलो मैं समझा देता हूँ बेटा दिखता बता दूंगा। स्टॉक एक्सचेंज कैसे लॉ बना सकती है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेटा जो है वो रूल्स जो है ना बनाते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज, उसकी जब आप बात करते हैं तो कंपनी लॉ होती ही जो है, कंपनी लॉ मेन तो वहाँ से पैदा होता है, लेकिन ये भी तो अपने लॉ जो है जब परमिशन मिलती है तो बनाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनके पास जब अथॉरिटी दी जाती है जरा बना सकते हैं। अच्छा केस लॉ भी बताऊंगा। अच्छा जी क्वेश्चन आपके कुछ रिपीटेड आ रहे हैं, काली डोंट रिपीट थिंग्स 4-5 टाइम, इट शुड बी इम्प्रूव टू स्पीड रिड्यूस लोड। तो बेटा मैं रिपीट ना करूँ तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, चले मैं कोशिश करता हूँ कि कम रिपीट करूँ। सजेस्ट बुक आल्सो गेट दी नोट्स, ये नोट्स भी मिलेगी बुक भी मिलेगी। अच्छा डेफिनेशन ऊपर है बेटा। अच्छा जी जो बच्चे नहीं सुन रहे वो मैनेजमेंट से पूछते हैं क्यों नहीं सुन रहे या क्या मसला हुआ है। ग्रुप आ जाएगा। अच्छा जी ग्रुप अभी आया है, मैनेजमेंट शुड नोटिस, कि मैनेजमेंट को मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा कितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं, सेंड ग्रुप का बना आ गया है। अच्छा बेटे मटेरियल सोर्स तो मैंने शुरू नहीं किए, रुक जाए मटेरियल सोर्स बता देता हूँ, ये कल बताऊंगा मटेरियल सोर्स तो आप थोड़ा सा आगे चले गए। अच्छा यहाँ पे वॉइस क्लियर का बन है। अच्छा जी जी हरि साहब सर हेलो जी, मेंबर नेशनल असेंबली मैंने बताया था MNA जो होते हैं जी नेशनल असेंबली में होते हैं, और मेरा काफी आपका जी इसमें से कोई क्वेश्चन मेरा ख्याल हरी साहब पैम साहब जी सर एंड कर दूं। जी जी बिल्कुल एंड कर सकते हैं सर। ओके जी अल्लाह हाफिज। अच्छा कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि उनको कुछ आवाज सही नहीं आई, आवाज तो आपकी क्लियर आ रही सर हमें। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, सो नाइस।